कहीं भी हम हटाओ देश बचाओ। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पी4 पप्पू पी4 पनौती। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। का मतलब है भारतीय जनता पार्टी नहीं बलात्कारी जनता पार्टी है। पी4 बलात्कारी जनता पार्टी, व्यभिचारी जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी, समझे नहीं, बेकार जनता पार्टी। जनता माफ नहीं करेगी। ईवीएम हटाओ देश बचाओ। राजपूत आपने ईवीएम पर सवाल उठाया है, लेकिन देश की जनता मोदी जी को दिल से चाहती है। मोदी मैजिक चला है पूरे देश में, 4 राज्यों में जीत हुई, जो 3 स्टेटों में भारी भरकम जीत हुई है, तो ये मोदी मैजिक है। इसको ईवीएम पे क्यों ले जाते हो आप लोग? तू पत्रकार है चाटुकार है पहले बता मुझे। ये पत्रकार सच्चाई बोलना चाटुकार ही है। मैजिक क्या कोई जादूगर है कहीं का है? कहीं जादू दिखाता था ये मोदी जो मोदी मैजिक? अरे मोदी के नाम पे वोट मिलता है। कौन से मोदी के नाम पे? मोदी क्या, मोदी थोड़ी देश है। देश तो देश की 140 करोड़ जनता है, आवाम है, समझे, हर नागरिक इस देश का मालिक है। मोदी क्या है? मोदी जैसे न जाने कितने आए और कितने चले गए। समझ रहे हो आप? ये वो मोदी है जो 35 साल भीख मांग के खाया, पूरी जवानी तो भीख मांगने में निकाल दी। अब ये बुढ़ापे में कहते हैं 18-18 घंटे काम कर रहा है, क्या करेगा भीख मंगा? जिसके पास तजुर्बा भीख मांगने का वो भीख ही तो मंगवाएगा देशवासियों से। तो दे दिया सबके हाथ में कटोरा कि जाओ मांगो भीख, आत्मनिर्भर बनो भीख मांग मांग के। अरे नाम रोशन हो रहा है ढंग के बजाय। किसका नाम रोशन हो रहा है बताओ? कौन सा नाम रोशन होता है? देश का। काय का रोशन हो रहा है? ये होता है कि देश के पूर्व सैनिक सेना के सिपाही की पत्नी को निर्वस्त करके घुमा दो, साक्षात भारत माता को नंगा घुमाओ, अच्छे दिन की बात करने वाले कच्छे उतारते हैं बहन बेटियों के, और उस पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त करके घुमाया मणिपुर में, उसके गुप्तांगों को छेड़ा गया, उसका बलात्कार किया गया, अंगों को काटा पीटा गया। तो क्या ये मोदी मैजिक है? ये मोदी मैजिक है क्या? हाँ मुझे बताओ, इनकी पार्टी के लोग चिमनी आनंद जैसे क्या करते हैं? छोटी छोटी बच्चियों से मसाज कराते हैं? तो एक माँ बताओ जिन्हें मतलब नहीं है, मोह माह से है, दुनिया को छोड़ के साधु बन गए। साधु क्या है? साधु है भूतनी के, इन्हें जेल में डालो। मगर ये जेल में डालने की बजाय बल्कि उसको जो बच्ची थी, जिन बच्चियों का शोषण किया, वो जो इंसाफ मांगते हैं, उनके परिवार वालों को जेल में डाल देते। तो ये मोदी मैजिक है? जनता तो मोदी जी के विकास कार्यों पे वोट दे रही है। ये विकास है? मुझे बताओ कहाँ विकास पैदा करा ये आदमी? कहाँ सफल हुआ विकास में? शादी करी, विवाह किया, घर में विकास पैदा नहीं कर पाया, तब जब बीवी को नहीं रख पाया। आप किसी के भाई, हमारे पर्सनल निजी जिंदगी पर असर पड़ रहा है प्रधानमंत्री के सम्मानित। अरे भाई काय का सम्मानित, पूरे देश को अपमानित कर दो सम्मानित के चक्कर में, बहन बेटियों की इज्जत लुटवा दो, अपमान करो, और इसको कहो ये सम्मानित। सम्मानित नहीं है, बेईमान, नकारा और निकम्मा और नालायक खलनायक प्रधानमंत्री है। ये पायदान मंत्री है, पीएम का मतलब पायदान मंत्री। हिंदू मत कुछ भी हिंदू धो रहा है। कौन हिंदू है बताना? हिंदू कौन है? हिंदू क्या है तू बता तो सही भाई मेरे, बहुत चिल्ला रहा पत्रकार, बता हिंदू क्या है, बता तो सही। धर्म है, है? हर आदमी हिंदू। कान पर हिंदू नहीं मानते? ओए तेरे कान पर दिया ना, धर्म कहाँ से हिंदू? बता कौन सी किताब में लिखा हिंदू धर्म है? सनातन है। अब आ गया ना सनातन वाला, है सनातन वाला भी नहीं है, सनातन सलामन है तेरा। तू मोदी जी की लटक है, चाटुकार है, जो फालतू की बकवास कर रहा है। धर्म नहीं है, धंधा है, समझे। और ये अंधभक्तों ने चलवा रखा है, अंधभक्तों से देश नहीं चलता, राष्ट्रभक्तों से देश चलता है, ये ध्यान रखना। और तुम जो लगे हो ना बार बार धर्म धर्म का ठीक रहा जो थोप रहे हो, इससे कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि चाह तन मन को गुनेगार बना देती है, चाह तन मन को गुनेगार बना देती है, और बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। ए भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। भूखे हैं लोग, 80 करोड़ लोग राशन खा रहे हैं, वोट दे रहे हैं दबा के मोदी जी को, और आप कह रहे हैं भूखे भूखे। अबे वो फूकनी के, तू बहुत मंत्र फूक रहा है। एक बात बता मुझे, ये जो है भूखे जो 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं यूं ही बच लेंगे, है तेल कौन देगा, मसाला कौन देगा, वो गैस कौन देगा, और कपड़े लत्ते कौन देगा, बच्चे स्कूल जाएंगे उनकी शिक्षा के लिए फीस कौन देगा, ये बताना मुझे, वो कहाँ से आएंगे? खुद भी करो। अबे खुद भी करो क्या? हाँ पालसी क्या खुद करे बता, पकौड़े लगाते तो MCD उठा के ले जाती है, पुलिस वाले ले जाते। तू बताना, एक मुझे दिलवा प्रमाण पत्र के ठेले पे लगा लो, मोदी जी का प्रमाण पत्र कोई ना उठाए। एक तरफ एक कानून बनाते हैं, दूसरी तरफ लूटते हैं सरकार। तो ये जो वो लोग हैं लुटेरे हैं, बेईमान हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, उग्रवादी हैं, उग्रता धर्म और भजब के नाम पे फैलाते हैं, और देश का कत्लेआम मचा रखा है देशवासियों का। आज मुझे बता दो किसी काम किया हो, शिक्षा पे किया हो, स्वास्थ्य पे किया हो, रोजगार पे किया हो, सुरक्षा पे किया हो, महंगाई पे किया हो, किस पे किया है काम? अरे एक रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मौका और दो भाई, एक मौका और दो, मैं यही कह रहा हूँ बार बार आपसे, 24 में एक मौका और दो मोदी जी का। मौका मौका काय का भाई, कौन है मौका? ये मौका तो कुत्ते बिल्लियों को दिया, चलो इस बार रोटी फेंक दी, अगली बार खा लेगा, आ जा। ये कौन है मौका?
पूरे देश की जनता मोदी जी को वोट दे रही है, आप क्यों खड़ा? अरे भाई, इसने चौंका दिया ईवीएम एंकल ली। ईवीएम से जीते हैं चुनाव, और दूसरे नंबर एक पालतू है इनका, वो असीबुद्दीन ओवैसी। अभी तीन राज्यों में चुनाव हुए कि नहीं हुए? हुए हुए ना, गौर से सुनना। पांच में भाई, ये तीन राज्यों की बात कर रहा हूँ, पांच में हुए। ठीक है, आपके मिजोरम में हुआ, तेलंगाना में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान, पांच राज्य हो गए। तो बात बताओ, जो तेलंगाना में, तेलंगाना का तो है असीबुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से। तो एक बात बताओ, वहाँ 119 सीट है विधानसभा की, ये जो वहां से लड़ता है 9 सीटों पे, वहां लड़ता है 9 सीटों पे। और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो ये भूतनी का 100 सीटों पे लड़ता है, बिहार का चुनाव आता है तो 125 सीटों पे लड़ता है। तो ये कौन लड़वा रहा है इसको? है इसको ये आरएसएस का चमचा है, चाटू का रहे। अरे पार्टी डिसाइड है, अरे पार्टी। और ये जाता है उत्तर प्रदेश में तो बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, चिल्लाता भूतनी के बाबरी मस्जिद से। और ये जो हैदराबाद में और जो तेलंगाना में जो 9 मस्जिदें शहीद हुई, वहां इसकी चोच नहीं हिलती भूतनी के की, जहां इसका साम्राज्य है, जहां इसका सिक्का चलता है, वहां इसके क्षेत्र में, इसके लोकसभा क्षेत्र में 8 मस्जिद शहीद हो गई, वहां नहीं बोला। वहां बोर्ड की जमीनों पर इसने कब्जे कर रखे हैं, असीबुद्दीन ओवैसी, वहां नहीं बोलेगा, समझे नहीं? और वहां जाएगा लड़ने चुनाव। तो ये क्षेत्रीय भारतीयों को खत्म करना चाहती है कांग्रेस और भाजपा, एक ही है, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? ये नहीं चाहते कि सपा, बसपा या आरजेडी या नीतीश कुमार की पार्टी या ममता बनर्जी, जो पार्टियां हैं उनको खत्म करनी है, जैसे आरएलडी को खत्म करने की कोशिश की गई। तो जो क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है, उनको जो किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की जो पार्टियां हैं उनको खत्म करना चाहती है, उनको न्याय नहीं देना चाहती। ये चाहते हैं, हमको सिखा रिया है। नंदा भाई, राजपूत अयोध्या जाएंगे उद्घाटन में? काहे का उद्घाटन में? मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है राम मंदिर में, तो तू चला जाइयो वहाँ। मैं जाइयो तेरे से पहुंचा लगवाएंगे भूतनी के, चिल्ला रहा तू, आया भला पत्रकार बन के। काहे का राम मंदिर? राम ने छीन लिया काम, और लगा रहे हैं हम लोग झंडू बाम, युवा मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसान मर रहा है, एमएसपी का रेट नहीं मिल रहा किसान को, और देश के सेना के सिपाही, पूर्व सैनिक, 80 लाख पूर्व सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं, बंदे की पेंशन नहीं मिल रही, दो दो सैनिक उन्होंने आत्महत्या करी जंतर मंतर पर। तो ये किसकी डूब मरने की बात? जो कहता था प्रधानमंत्री, क्या सेना के जवान पे एक वोट मिलेगा? क्या तेरी माँ की भूतनी के जिंदाबाद मिलेगा? अब की बात क्या मिलेगा? तो धिक्कार मिलेगा देश से। और ईवीएम झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, बताओ देश बचाओ। ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अगर बैलेट पेपर पर चुनाव आ गया ना, और हो गया, तो भारत निर्वाचन आयोग जो स्वयं एक आतंकवादी और उग्रवादी के रूप में काम कर रहा है, देश के मैंडेट के साथ, देश के जनादेश के साथ, देश का चुनाव आयोग खिलवाड़ कर रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। सही पकड़े हैं क्या नंदा भाई राजपूत? बताएंगे कर्नाटक, मेघालय, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम, वहाँ ईवीएम नहीं थी क्या? अरे ईवीएम तो थी। हाँ? तो ईवीएम का मतलब क्या जान रहे हो? ईवीएम लेके कौन आया बता जल्दी? ईवीएम कौन लाया था? कांग्रेस, कांग्रेस के टाइम पे आई। ठीक है, कांग्रेस। हाँ? मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी। कांग्रेस बनवाया मोदी जी ने। तो यही तो समझा रहा हूँ कि आंदोलन करेगी बीजेपी, ईवीएम लाई कांग्रेस, मजा ले रही है बीजेपी, तो दोनों तो एक ही है, और दोनों पार्टियों में से एक भी विरोध नहीं करती। अरे तो मोदी जी ने मंदिर बन जाता। मेरे बात सुन लो। हाँ, मोदी के तो पिताजी ने बना दिया मंदिर, वो मर गया कल्याण सिंह, उन्होंने अपनी सरकार दे दी, वो मंदिर के नाम पे ध्वस्त हो गए, मोहम्मद भारती भी शादी, वो चप्पलें चटका रही है, समझे नहीं? उन्हें नहीं पूछा जा रहा, वो साक्षी महाराज बेचारा हिला हुआ है, वो सोचता रहा कि मुझे मंत्री मंत्री कुछ बनाएंगे, उसे संतरी भी नहीं बनाया, ये लोग हटा करे है। तुम कह रहे हो इन्होंने बना दिया। अरे भव्य उद्घाटन करेंगे मोदी जी। काय का भव्य उद्घाटन? राम मंदिर। राम मंदिर से क्या मिल रहा बताना, राम मंदिर से उद्घाटन कर। अबे देश का प्रधानमंत्री है, किसी मंदिर का पुजारी है ये बता मुझे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मंदिर का पुजारी है या प्रधानमंत्री है? अमित शाह ने कहा था कि जो भाजपा को वोट देगा उसको फ्री में दर्शन होंगे। अबे स्वर्ग भी पहुंचा देगा ये, बेटा ध्यान रखना, स्वर्ग लोग जाओगे, सबने वोट दिया है ना, सीधा राम से मिलवाएंगे, यहाँ तो मंदिर को छोड़ो, सीधा राम से मिलवाएंगे, राम के दर्शन कराएंगे। तू भी चला जियो भूतनी के, स्वर्ग जाना है। हाँ, आज पुनर्निर्माण दिवस है, पुनर्निर्माण दिवस का मतलब क्या होता है जानता है? बाबा साहेब अम्बेडकर। हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने देश का संविधान बनाया है, पुनर्निर्माण दिवस उनका मनाया जाता है, जो महापुरुष होते हैं, महामानव होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। गोदब बुद्ध है, बाबा भीमराव अम्बेडकर, समझे नहीं? उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने एक महान, इतना बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान दिया, उनको नमन है, प्रणाम है मेरा।
और सभी लोग भारत के संविधान से चल रहा है देश ना रामायण। धनखड़ जी कह रहे हैं युग पुरुष है मोदी जी। कौन कह रहा है? महामहिम धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति। क्या कह रही है? मोदी जी युग पुरुष है। युग पुरुष है। और तुम कौन हो? तुम कौन? उपराष्ट्रपति है वो। कौन? धनखड़ जी। हम तो मैं जानता ही नहीं था कौन है। कहाँ कहाँ से आए हैं लोग? कहाँ से आते हैं? उपराष्ट्रपति कह रहे हैं युग पुरुष है। युग पुरुष, युग पुरुष है। कहीं ना है युग पुरुष, लूट पुरुष है, लूट रहा है देश को। युग पुरुष लूट पुरुष है, लुटे रहा है, देश बेच दिया इसने। अरे महात्मा गांधी के आदर्शों में चलते हैं मोदी जी। मोदी जी महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलने वाले, जब तो नाथुराम गोडसे की चुम्मा लेते हैं, पांव चूमते हैं उसके। ये कौन सा नाथुराम गोडसे और गांधी का मिलन हो गया? नाथुराम गोडसे गोली मारता गांधी को, ये बता किसका? उसकी पूजा करते हैं, नाथुराम गोडसे को क्रांतिकारी बताते हैं। तो आप बताना, आप कहाँ से पढ़ के आया, कौन सी यूनिवर्सिटी से लेके आया? आप मानते हो मोदी जी को युग पुरुष की नहीं? नहीं, युग पुरुष नहीं है, लूट पुरुष है। और बता, पूरे देश का जो है जनता मोदी जी को दिल से चाहती। मोदी जी जब भी मन की बात है, मन की बात करते हैं तो बोलते हैं कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। मोदी जी कहते हैं इस बार नहर को टेस्ट करा ले। मोदी जी की धर्म पत्नी का वो भी दिल से नहीं चाहती उन्हें, और दिल से चाह रही होती ना तो ये समझ जाता कब का ये सिर्फ अपने मन की बात करता है। मैं कहता रहा हूँ, ये प्रवचन मंत्री है, पायदान मंत्री है, पनौती मंत्री है, और एक P4 पप्पू, P4 पनौती। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ये दोनों है देश के लिए चुनौती। इन दोनों को हटाओ, EVM को हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, तभी भारत का बचना संभव है। 24 में प्रचंड जीत होगी मोदी जी के नाम पे। अच्छा, हाँ प्रचंड, प्रचंड बहुमत से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रचंड नहीं होगी तीसरी बार, अगर बैलेट पेपर पर हो गया ना, प्रचंड नहीं होगी। तू झंड हो जाएगा जो तुमने सवाल पूछ रहा, बकवास कर रहा है, ज्यादा चाटुकार बन रहा है, लटक बन रहा है मोदी और भाजपा की। भाजपा मतलब है भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी है। B4 बलात्कारी जनता पार्टी, व्यभिचारी जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी, समझे नहीं, बेकार जनता पार्टी। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो इधर ही मुंह खोल ले। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप माफी मांगेंगे? मैं तो माफी मांगूंगा, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया भाई? सवाल खड़े करना क्या माफी मांगना होता है? है किसी की कमियां बताना क्या माफी मांगना होता है? सही काम करो, आगे बढ़ो। तो आपको पहले कमी आ रही, बाकी जनता में मोदी मोदी चल रहा है तो। हाँ मोदी मोदी नहीं चल रहा देश की, भारत माता रोदी रोदी हो रहा है, समझ गया? और तू गोदी गोदी मीडिया बन रहा भूतनी के, आ गया यहाँ से। हाँ बकवास ना करा कर। सच्चाई सुनने की मतलब हिम्मत नहीं रही। तू अपने मेरे से सवाल इतने बोल रहा है तू? 14 के बाद पैदा हुआ होगा, सन 2014 के बाद है, अभी तू बकरचोदी कर रहा मेरे सामने। तो देश 14 के बाद पैदा हुआ, भारत विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है। 14 के बाद पैदा हुआ, 14 के बाद तुझे आजादी मिली, विकसित राष्ट्र बना रहे मोदी जी। कौन सा विकसित है, कहाँ है विकास? देश का विनाश पुरुष है, विनाश कर रहा है देश का, देश की गरीब जनता। आपने चश्मा दूसरा, चश्मा क्यों भाई? 80 तो खुद कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हमने चावल दे रहे और गेहूं दे रहे 4 किलो 5 किलो। तो एक बात बताओ, इसी बात का डंका बजा, 4 देश के 80 करोड़ लोग 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे पल रहे, भुखमरी के कंगाल पे है। तो ये आत्मनिर्भर भारत है क्या? है यह सी का डंका बज रहा है? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? मोदी है तो मुमकिन है, नहीं मोदी है तो मुश्किल है ये देश का आगे बढ़ना। मोदी है तो मुश्किल है देश को विकास के रास्ते पे लाना। मोदी है तो मुश्किल है देश की बहन बेटियों की इज्जत है बचा पाना। मोदी है तो मुश्किल है भारत के अधिकार बचा पाना। मोदी है तो मुश्किल है किसानों की लागत और मेहनत का उचित दाम मिलना। मोदी है तो मुश्किल है देश के सेना के पूर्व सैनिकों की बंदा एक बंद पेंशन मिलना। मोदी है तो मुश्किल है, समझे, देश का संविधान बचना। मोदी है तो मुश्किल है देश का लोकतंत्र बचना। और मैं कह रहा हूँ ये लोकतंत्र बचा दिया, समझे नहीं, जनतंत्र को बचाने की जरूरत है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद भारत।